हेलो एवरीवन, आई एम पंकज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बॉल। आज हम एक नई ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। जावास्क्रिप्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट में आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ रन होता है, जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, एंड जावास्क्रिप्ट वर्सेस एक्मास्क्रिप्ट। तो चलिए इन्हीं सारे क्वेश्चंस के सवालों के जवाब इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले, जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। जावास्क्रिप्ट को नेटस्केप के डेवलपर ब्रैंडन एच ने 1995 में क्रिएट किया था। पहले सिर्फ ब्राउजर की लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन आज फेसबुक एंड गूगल जैसे बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट से ये पॉसिबल है कि जावास्क्रिप्ट में बड़ी बड़ी इंटरप्राइज एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी इंटायर एप्लीकेशन को जावास्क्रिप्ट में डेवलप किया है, जैसे नेटफ्लिक्स, फेसबुक, लिंक्डइन, उबर, ट्विटर। इंडिया में ग्लासडोर के अकॉर्डिंग जनवरी 2020 में एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर की एवरेज बेस सैलरी 8.25 लाख पर ईयर है। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर जावास्क्रिप्ट को लर्न करते हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, या फिर फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, जो कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप वेब पेजेस डेवलप कर सकते हैं। अगर बहुत ही बेसिक अगर हम देखें, फॉर्म्स में क्लाइंट साइड वैलिडेशन आप लगा सकते हैं, आप एनिमेशन पेज में एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, पेज के किसी पार्ट को आप विदाउट रिलोड किए उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, कॉन्टेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं एजेक्स का यूज करके, या फिर आप गेम्स वगैरह भी डेवलप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है एंगुलर, या फिर जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है रिएक्ट, उसको यूज करके वेब एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, वेब सर्वर बिल्ड कर सकते हैं मीन स्टैक का यूज करके। मीन मतलब मोंगो, एक्सप्रेस, एंगुलर एंड नोड, ये पूरा एक स्टैक है, इसका यूज करके आप वेब सर्वर बिल्ड कर सकते हैं, सर्वर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं node.js का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज जावास्क्रिप्ट कोड रन। इनिशियली जावास्क्रिप्ट का जो कोड था वो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता था, बट ऐसा नहीं है। आज टाइम चेंज हो गया है एंड आज ये पॉसिबल है कि जावास्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम कहें ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट या एप्लीकेशन जिसमें जावास्क्रिप्ट का इंजन एम्बेडेड है उस पर हम जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्राउजर की बात करें तो जितने भी मॉडर्न ब्राउजर हैं उनमें जावास्क्रिप्ट का इंजन एम्बेडेड रहता है, जैसे गूगल क्रोम और ओपेरा में इस इंजन को B8 कहते हैं, फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी, सफारी में स्क्वायर फेस। एंड अगर हम सर्वर साइड बात करें तो सर्वर साइड एक एप्लीकेशन है, या फिर हम कहें एक इन्वायरमेंट है, जो कि C++ में डेवलप किया गया है। C++ का एक प्रोग्राम है और उसमें हमने गूगल क्रोम के जो जावास्क्रिप्ट इंजन है BS8 को उसको एम्बेड किया गया, और उसको हम कहते हैं node.js। तो node.js जो इन्वायरमेंट है या फिर एप्लीकेशन है उसका यूज़ करके हम सर्वर साइड भी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और बैकएंड में भी हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। सो फ्रेंड्स, जावा स्क्रिप्ट एंड जावा दोनों एकदम इंटायर डिफरेंट टेक्नोलॉजी हैं, दोनों डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। बट जब स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट जब क्रिएट हुआ था 1995 में, तो उस टाइम इसका जो नाम था वो मोका या फिर मोचा, जो भी इसका नाम कहें, ये नाम था। लेकिन उस टाइम नेटस्केप ने उसको नाम दिया लाइव स्क्रिप्ट। अब लाइव स्क्रिप्ट जो था एकदम बिल्कुल नया नाम था, और उस टाइम मार्केट में जावा इतनी पॉपुलर थी, नेटस्केप ने डिसाइड किया कि हम इसका नाम
जावास्क्रिप्ट रख देते हैं, जिससे कि एक जावा के साथ में इसका नाम जो है वो एक लोगों तक पहुंचेगा और लोग इसको अपनाना स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने इसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया एंड धीरे धीरे ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि आज इसका अपना एक स्पेसिफिकेशन है जिसे हम एक्मास्क्रिप्ट कहते हैं और ये इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज है जावा से, इसका जावा से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि जावास्क्रिप्ट और जावा में कोई रिलेशन भी है, दोनों डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसके अपने स्टैंडर्ड है, अपने डिफरेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट वर्सेस एक्मास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट फ्रेंड्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जबकि एक्मास्क्रिप्ट एक स्पेसिफिकेशन है। एक्मास्क्रिप्ट मतलब एक्मा, एक स्टैंडर्ड है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, एक स्टैंड जिसको जावास्क्रिप्ट क्या करती है उसको फॉलो करती है। मतलब जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग होती है वो एक्मास्क्रिप्ट की जो स्पेसिफिकेशन है उसके बेस पे होती है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जबकि एक्मास्क्रिप्ट जो है वो एक स्पेसिफिकेशन है। देखने में दोनों वो ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम है, बट वो एक स्टैंडर्ड है जिसको जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है। एक्मास्क्रिप्ट के बहुत सारे वर्जन्स आए हैं। एक्मास्क्रिप्ट का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 1997 में आया था, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे वर्जन आए, लेकिन 2015, 16 एंड अभी भी आते ईयर एक वर्जन उसका रिलीज होता जा रहा है। बट जो 2015 में एक जो इसका जो वर्जन आया था ES2015, ES2015 और हम कहें ES6, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। सो इसमें जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और उनका यूज़ करके हम बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स एक जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी इनेबल कर लें, ताकि आपको जो हमारे फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले मिले। ये जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है जावास्क्रिप्ट की, या आप दोबारा से अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।